रिसेंटली सुजुकी अपने 2024 मॉडल स्विफ्ट की कॉन्सेप्ट मॉडल को रिवील कर दिया है। इसकी एक्सटीरियर में चेंजेस कई सारे देखने को मिल जाते हैं, इंटीरियर भी काफ़ी नया देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ नए एडवांस लेवल के फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ की माने तो इंडिया के मार्केट में जो नया मॉडल स्विफ्ट आएगा, ये स्विफ्ट में आपको एडवांस लेवल की फीचर्स कुछ नहीं मिलेगा और ये स्विफ्ट में आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा जो कि 35 टू लेकर 40 km/h का माइलेज देने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं, पूरा डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 2023 जापान मोबिलिटी शो में सुजुकी अपने शोकेस कर चुका है 2024 मॉडल स्विफ्ट को। इसकी एक्सटीरियर में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू डिज़ाइन फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिल जाता है, न्यू बम्पर देखने को मिल जाता है। एसयूवी में जिस तरह कुछ बोनेट मिलता है, उसी तरह कुछ बोनेट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। स्विफ्ट की फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अभी लगने लगा है। न्यू स्टाइलिश LED हेडलाइट का सेटअप, न्यू फॉग लैंप हाउसिंग साइड प्रोफाइल में आपको ऑल न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है। पुराने स्विफ्ट जैसे ही आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। रियर प्रोफाइल में आपको न्यू LED टेललाइट्स देखने को मिल जाते हैं, न्यू बम्पर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑली ये गाड़ी की डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाया गया है। इंटीरियर की बात करी जाए, इसके इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है मारुति सुजुकी बलेनो जो प्रीमियम हैचबैक है उसी के ही जैसे इंटीरियर यहाँ पे देखा गया है न्यू स्विफ्ट में। तो यहाँ पे आपको 9 इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मोबाइल कनेक्टिविटी सारे सब देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील, हेड अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको न्यू 2024 स्विफ्ट ये कॉन्सेप्ट मॉडल में जो कि ग्लोबल मार्केट में ये जो मॉडल आएगा उसमें आपको डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट, अडैप्टिव हाई बीम असिस्ट, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। लेकिन ये सारे फीचर्स इंडिया के मार्केट में जो 2024 में स्विफ्ट आएगा उसमें नहीं दिया जाएगा। कॉस्ट कटिंग तो करी जाएगी इंडिया के मार्केट में, ये तो तय है, लेकिन स्विफ्ट जो प्राइस ब्रैकेट में आता है उस प्राइस ब्रैकेट में ये सारे फीचर्स अगर दे दिया जाए उसकी प्राइस काफ़ी हाई होने वाला है। तो 100% ये सारे फीचर्स को कट किया जाएगा इंडिया के मार्केट में जो स्विफ्ट आएगा। लेकिन इंडिया के मार्केट में जो स्विफ्ट आएगा उसके साथ साथ आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ मिलने वाला है। जी हाँ, सुनने को तो यही मिल रहा है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पे मारुति सुजुकी इस्तेमाल करने वाली है इंडिया के स्विफ्ट मॉडल में, जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आने के साथ साथ आपको 35 टू लेकर 40 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और एक्सपेक्टेड यही है ये गाड़ी को, यानी कि 2024 मॉडल स्विफ्ट इंडिया के मार्केट में फास्ट ऑफ 2024 में ही आ जाएगा और प्राइस में 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का बढ़ोतरी हो सकता है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन 2024 स्विफ्ट के बारे में। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई दीजिए, बाय बाय।